एक लड़के के लिए दो लड़कियों की हुई लड़ाई। माना जा रहा है कि वो लड़का ये है। हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल तौसीफ टेक में। तो गाइस, थंबनेल और प्रीव्यू देख के समझ गए कि आज हम अपने वीडियो में क्या बात करेंगे। तो गाइस, यहां से अपने BNF को ओपन कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस, BNF को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और अपने गैलरी में आ देना है। और यहाँ से गाइस अपने मॉडल वीडियो को ऐड करके एड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस ये वीडियो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो गाइस, आज हम अपने बात करेंगे वीडियो के कि इस तरह का हम अपने वीडियो कैसे एडिट करेंगे। तो गाइस, यहाँ से इन में आ जाना है, यहाँ पर ब्लैक वाटर मार्क मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके हमें डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ से गाइस अपने वीडियो को म्यूट कर देंगे। म्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप टू गाइड म्यूजिक पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूजिक को चूज़ करके यहाँ से राइट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने म्यूजिक में 4 बीट को ऐड किया, जो कि मैं बता दूँगा वीडियो में कितना पे मैंने म्यूजिक में बीट ऐड किया है। तो आपको फर्स्ट बीट पर आ जाना है और यहाँ से गाइस वीडियो को स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वीडियो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो सेकेंड वीडियो पे क्लिक करना है, रिफ्रेश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और गैलरी में आ जाएंगे और जो आप अपना वीडियो शूट किए होंगे उसको ऐड कर लेंगे या जिसको एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बीट पर आना है और फिर से यहाँ से वीडियो को डिवाइड कर देना है। तो बीट पे आना है और वीडियो को यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। करने के बाद गाइस आपको यहाँ से ये जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस इन में आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लिंक वाला ये जो ऑप्शन है इसको ऐड करना है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर से सेकेंड प्लस वाला ऑप्शन पर आना है। आने के बाद गाइस आपको फिर से इस पर आपको ऐड करना है यहाँ पर यह लाइट वाला इफेक्ट को और फिर से राइट कर देना है और फिर से नेक्स्ट प्लस वाला ऑप्शन पे आना है। आने के बाद गाइस आपको इस पर फिर से सेलेक्ट करना है, ये जो सेक गाइस सेक यहाँ पे वाला ऑप्शन है ना, इसे ऐड करना है। तो सेक 1 वाला को ऐड करके राइट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट प्लस वाला ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन में आ जाना है। गाइस यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको ऐड करना है और फिर से आपको यहां से राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर से आपको अपने फर्स्ट वीडियो क्लिप पे आ जाना है, जिसको हमने यहां पे ऐड किया है। इस पर आने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है। तो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको ब्लैक वाला इफेक्ट को ऐड करना है और फिर से राइट कर देना है और फिर से यहाँ पर सेकेंड वीडियो पर आना है। आने के बाद गाइस आपको इसमें आपको यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाना है और इसमें आपको जिटर डाउन वाला इफेक्ट ऐड करना है, जो कि आपको यहाँ पे इन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देना है इसके लेयर को और यहाँ से राइट कर देना है और फिर से गाइस ये जो हमारा 3rd नंबर वीडियो है इस पर आना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ से स्टार्टिंग में करके आपको यहाँ पे स्पिन आउट वाला जो ऑप्शन है इसको ऐड करना है और फिर से राइट कर देना है। और फिर से जो ये हमारा लास्ट वाला वीडियो क्लिप है इस पर आना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है और आपको गाइस यहाँ पे जो मैंने ये लकीर जो है बीच में मैं जो रखा हूँ यहीं पे आपको रखना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ से वाइट वाला इफेक्ट को ऐड करना है और इसके लेयर को यहाँ पे बीच में इतना कर देना है 0.58 सेकेंड पे और यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस यहाँ से हमारा वीडियो बन के रेडी हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ म्यूजिक में मैंने कितना पे बीट ऐड किया है। तो गाइस यहाँ से फर्स्ट बीट 4.76 सेकेंड पे है और सेकेंड बीट 5.85 सेकेंड पे है और 3rd नंबर बीट 6.85 सेकेंड पे है और 4th नंबर बीट 8.53 सेकेंड पे है। तो इतना पे आपको बीट ऐड करके राइट कर लेना है। तो वीडियो में प्ले करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दो। एक लड़के के लिए दो लड़कियों की हुई लड़ाई, माना जा रहा है कि वो लड़का ये है। फिर से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके गाइस यहाँ से आपको राइट कर लेना है।